नमस्कार दोस्तों। तो नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 + √3i को ध्रुवीय रूप में परिवर्तित कीजिए। दोस्तों यही क्वेश्चन आपको मापांक और कोणांक में पूछ सकता है, क्योंकि ध्रुवीय रूप का देखिए सूत्र क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए ध्रुवीय रूप बराबर होता है जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये दोस्तों ध्रुवीय रूप का सूत्र होता है कॉस थीटा, यानी आप इसका कोणांक निकालेंगे तभी आपको इसका ध्रुवीय रूप निकाल पाएंगे। और आर यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, मापांक को, ठीक है। तो हम आर यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मापांक को। चलिए इसी प्रकार हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए मान लेते हैं, माना जेड बराबर 1 + √3i, ठीक है। अब देखिए सभी लोग जानते होंगे कि सम्मिश्र संख्याओं का व्यापक रूप या मूल रूप वो होता है, वो क्या होता है, एक्स प्लस आई बाय। तो हम जेड को क्या इसी से प्रदर्शित करते हैं, तो बराबर 1 + √3i। तो हम अब तुलना करने पर लिख देते हैं, जितना सही लिखें उतना बेहतर रहेगा, तुलना करने पर, ठीक है। तो ये पहला गुणांक है, x बराबर आपको 1 दिया हुआ है, और ठीक है x बराबर 1 दिया हुआ है। और देखिए i का क्या, ये i है इधर भी i है, तो यानी ये y का गुणांक होगा, तो ये y बराबर आपको √3 दिया हुआ है। अब आपको मापांक निकालना है, चलिए मापांक निकालते हैं। तो मापांक को हम क्या r से रिप्रेजेंट करते हैं, तो r या फिर z का मापांक, ये मापांक यानी इसको हम मोड में लगा देते हैं, तो बराबर क्या होता है, √x का स्क्वायर प्लस बाय का स्क्वायर, ठीक है। ये इसका होता है फॉर्मूला। अब इसके बाद देखिए कि आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर कितना है, 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर मैंने 1 का स्क्वायर कर दिया प्लस, और ये √3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1 + √3 √, तो ये हो गया आपका 4 √, यानी ये 2 इसका, ये आपका मापांक निकल आया। अब देखिए कोणांक निकालते हैं, तो कोणांक का सूत्र क्या होता है, देखिए कोणांक कोणांक, क्योंकि मापांक कोणांक के द्वारा ही हम ध्रुवीय रूप निकाल सकते हैं, तो कोणांक क्या होता है, tan थीटा बराबर बाय अपॉन एक्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर बाय क्या है, देखिए √ बराबर है √3, और ठीक है, और एक्स बराबर 1 है, तो यहाँ पर हम मान धर देते हैं tan थीटा बराबर √3/1। दोस्तों tan √3 किसका, tan 60 का मान होता है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ tan थीटा बराबर π/3 tan, ठीक है। यहाँ पर tan भी लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि tan कितने 60 का मान होता है √3, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से कर लीजिए, क्योंकि देखिए 180 होता है पाई का मान 3 × 3 = 18, तो 180 आ गया, tan 60 का मान √3 होता है, ठीक है। tan से हम 10 काट सकते हैं, और थीटा बराबर आपको ये π/3 प्राप्त हो गया, तो ये इसका ये आंसर निकल गया। अब आपको ध्रुवीय रूप पूछ रहा है सवाल में, तो आपको ध्रुवीय रूप का मैंने पहले ही लिख दिया था सूत्र, तो इसमें आपको ये मान धरना है, तो आपका आंसर निकल जाएगा ध्रुवीय रूप। तो क्या होता है, ध्रुवीय रूप जेड बराबर आर कोष्टक कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है, ध्रुवीय रूप होता है। तो आर यहाँ पर 2 आया था आंसर अपना, कॉस π/3 प्लस आई साइन ये थीटा है, तो π/3। तो दोस्तों ये सिंपल क्वेश्चन था, इस प्रकार ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही आपके आप एली में पूछा गया था इसी प्रकार का। तो ऐसा करते हैं, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लेना, क्योंकि अभी तो आपके प्री बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं, पर इसके बाद हम आपको फाइनल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे, या फिर जो आपके त्रैमासिक आप एली पेपर उनको पूरा सॉल्व करके बताएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।